साहब से कह रही थी कि मोदी जी ईवीएम का घोटाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और उसमें सेटिंग कर रहे हैं। अगर मोदी जी और बीजेपी सरकार अगर ये काम करती तो आज हमारी 272 पूरी बहुमत सीट आती। ये नहीं करें, हो सकता है उससे भी कम हो जाती जो ईवीएम का आरोप लगाते हैं। वो तो ये कहते हैं कि 240 भी पाते सही पकड़े हैं। ऐसा नहीं है, 272 हमारी बहुमत सरकार होती, जो बिल्कुल सच निर्णय था लोगों ने वो करा, इसमें कोई फेर बदल की बात नहीं है। मगर जिस हिसाब से दिल्ली सरकार अभी विपक्ष के ऊपर बीजेपी के ऊपर कैंटरमेंडेड चार्ज लगा रही है कि बीजेपी सरकार ने ये नुकसान कर दिया वो कर दिया, तो राइफल आया है। क्या बोला तूने? राइफल हमारे देश में कहाँ था वो इतिहास उठा के देख लीजिए। आप अपने घर में नई गाड़ी खरीदेंगे तो उसका उद्घाटन करेंगे, मस्जिद ले जाके, मंदिर ले जाके, चर्च लेके। राजनाथ जी ने राइफल ला करके एयरपोर्ट में जिस टाइम पुलवामा हमला हुआ था राइफल आया उनके दिल के अंदर, फिर भी एक शंका थी कि हमारे देश के 49 जवान शहीद हो गए हैं, मगर फिर भी उन्होंने राइफल को तिलक लगा कर उसका सम्मान करा, कुछ भी और उद्घाटन करा। उस दिन वो राजनाथ जी के ऊपर और विपक्ष सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आई केजरीवाल जी को बोलने में? बताइए आप मुझे, कहां से कौन बात से कौन बात आप कर रहे हैं? यहां लोकसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं आप, राफेल और ओम और ये सब की बात कर। रुको जरा, सबर करो। मैं केजरीवाल की जो बेकार वाली बातें, मैं वो विपक्ष उठा करके बात कर रहा हूँ। रही लोकसभा स्पीकर, केजरीवाल तो कहते 230-240 आएगी बीजेपी की, उतनी ही आई हमारी, 240 तो आई है अपने दम पर। बताइए, केजरीवाल भी तो यही कह रहे थे जी, कहाँ घोटाला हमने करा है बता दी। अरे कहना क्या चाहते हो? घोटाला नहीं, केजरीवाल ये कह रहे थे कि देखो जी इनकी 230 के आसपास सीटें आएंगी, उतनी ही आई आपकी। सत्येंद्र जैन फिर इतने साल से जेल में क्यों बैठे हैं? घोटाला अगर जो करा है, जो विपक्ष गलत करा है, सामने वाला गलत करा है, सत्येंद्र जैन क्यों अंदर बैठे हैं? संजय सिंह क्यों अंदर बैठे हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, सिंह अंदर की बाहर है। अब आए हैं बाहर, बाहर आने से पीएमएलए सेक्शन 45 जानते हैं, से जमानत होने से केस खत्म नहीं हो रहा। क्या सुन रहे हैं जो आप बोल रहे हैं? आपको देखा तो हम रुक गए, आपको देखा तो रुक गए हम भी। मैंने कहा News 24 पे देखते हैं आपको, देख लिया। बहुत शुक्रिया, आपको कुछ राय आपकी है? केजरीवाल के जमानत नहीं मिली हाईकोर्ट? केजरीवाल तो बहुत ईमानदार आदमी है, बेईमानों ने बंद कर रखा है। गजब बेइज्जती है। ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अब ये जो कह रहे हैं इनके विचार हैं। बीजेपी सरकार ने दारू का ठेका दिया है क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक के साथ एक बीजेपी वाले ही तो दारू बांटे हैं सारे। इस इलेक्शन में बीजेपी वालों ने इतना दारू बांटा है। आप मेरे साथ चलिए, जिला अध्यक्ष वगैरह सबके नाम बता दूंगा। अरे आज जो एक सुनिए, मानहानी ने एक बात समझिए, जो मैं बीजेपी के जो जिला अधिकारी हैं उनके नाम बता दूंगा और उनके यहाँ से दारू बटी है वो केजरीवाल से लेकर ये आरोप सुनिए। अरे एक मिनट, ये सब आरोप लगते रहते हैं एक दूसरे, लग रहे हैं केजरीवाल के ऊपर भी। सच्चाई तो अभी कहीं कोर्ट में साबित हुई नहीं, जब कोर्ट में सच्चाई साबित होगी तब आप कहिएगा। बात तो सही है। एक बात बताइए, केजरीवाल जेल में थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो गया, 7 सीट की 7 बीजेपी जीत ली, तभी दिल्ली में बताइए। नहीं वो तो जीतेंगे बीजेपी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसका बात है, नेशन का काम अलग है और राज्य का काम अलग है। आप 70 की 70 सीट केजरीवाल जीतेगा फिर आप मोदी जी से क्या कहिएगा कि 7 सीट रिजाइन कर दीजिए आप? ये 70 जीते? हाँ 70 जीतेंगे पक्का। सब इतना आरोप लग गया, 58 करोड़ का बंगला बना दिया। आरोप 58 करोड़ का, इतना दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये बताइए, शीला दीक्षित के टाइम से बवाना में जो नहर दिखा रहे हैं उसमें शीला दीक्षित के टाइम से टैंकर भरा जाता है? आज से टाइम नहीं, इन्होंने 2003 में जब बवाना में भेज दिया लोगों को तो पानी कहाँ से पिएंगे? कोई दे के आया दिल्ली से पानी उनको? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो नहर से भी पानी ना पिए और हम देंगे भी नहीं पानी। वो तो पानी 2003 से देखिएगा, पानी वहाँ टैंकर 2003 से भरा जा रहा है। तो केजरीवाल की छवि में फर्क नहीं है, लोग कह रहे 58 करोड़ का सुंदर नगर, 58 करोड़ का जो बंगला बनाए हैं वो अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो उसमें रहेगा। एक तरह तो आप कह रहे वही आएंगे? नहीं, अगर नहीं, आप कह रहे 58 करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। नहीं, जो बंगले में लगाया वो हम बंगले में सरकार ने लगाया, उसने थोड़ी लगाया है।
तू तो कह देते ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे। नहीं गाड़ी बंगला तो कहाँ, वो तो सरकारी काम के लिए ले रहे हैं, कि अपने काम के लिए थोड़ी स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं वो। वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए।